जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और रामनवमी का समापन हो चुका है, अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ और नहाया धोया अभी नहीं हूँ। अभी मैं भोजन की तैयारी कर लेता हूँ क्योंकि मम्मी गई हैं महुआ के लिए, तो मैं खाना आना बना लेता हूँ, दाल चावल सब्जी। आज मैंने दाल चावल और चोखा बनाने की कोशिश की है, चोखा बन के तैयार है और दाल फ्राई करने वाला हूँ। दाल पक चुकी है और घर अभी फैला हुआ है, ये भेजरियाँ हैं नल वाले घर के पास से तोड़ के ले आए रहे, दिखाते हैं आपको अभी आगे, क्योंकि अकेला हूँ तो थोड़ी पकड़ नहीं पाऊँगा मोबाइल। दाल भी बनकर तैयार है और चावल रख दिया है मैंने, आज बढ़िया मम्मी को खिलाऊंगा खाना, अच्छा लगेगा उन्हें भी और खुद भी खाऊंगा। बनाने की कोशिश तो करी है मैंने, कुकिंग का काफ़ी शौक है मुझे, लगता है अच्छा अच्छा बना के खाओ, इंसान खाने के लिए ही तो कमाता है। अब जाता हूँ महुआ ले आता हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ महुआ लेने के लिए, और एक जगह का ऑर्डर भी आया है जुताई का, देखते हैं कितनी है जुताई उनकी। अभी सीजन अच्छा है, सर पे है, लेकिन टायर की कमी है, देखते हैं कुछ कर ही लेंगे, 4x4 लगा के अपन चला लेंगे, थोड़ी सा कम बचेगा पैसा, डीजल की खपत ज़्यादा होती है 4x4 में। जाता हूँ महुआ लेने, बिहारी का आया था फ़ोन, बिहारी कह रहा था भैया मेरे यहाँ से ले जा लेना, बिहारी ले आया होगा, मतलब बिहारी के घर के ले आए होंगे यहाँ तक। मैं जा रहा हूँ बिहारी के घर, इसके बाद नहा धो के खाना पीना खा के जुताई करने जाऊँगा। हमको लेक्चर दे रहा है, नहीं देंगे तो क्या उखाड़ लगा, मार डालूंगा। मेरे अंदर की ईगो ने कहा कम है महुआ, अब उतना गिर भी नहीं रहा है। बिहारी लोग बढ़िया मूवी ये देख रहे थे, ठीक है बोल तो दिया हूँ कि भाई आज लकड़ी लाना है करके, देखो क्या होता है, परेशान हो रहे हैं, कल चुनाव है तो फिर इंसान फिर बिजी हो जाएगा, जल्दी से जल्दी ले आए तो बेहतर है। भोजन लगभग हो गया है और इसके बाद थोड़ी देर के बाद अभी मैं जाऊंगा ट्रैक्टर लेके जुताई करने। अभी हम ट्रैक्टर लेके आ गए हैं और कल्टीवेटर फंसा रहे हैं। हाँ बोल दे कुछ, हाय दोस्तों कह दे, हाय दोस्तों, मैं पूछ रहा हूँ। तो अभी 45 मिनट गाड़ी चली है और जाम होने के कारण अभी जा रहे हैं हम लोग, डीजल ले आता हूँ और एक दो लोगों को और मिल गया है, ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी सा है, कर लेते हैं बढ़िया भाई, ऐसा काम चलता रहे। डीजल लेके आ गए दोस्तों, तो जरूरी है यार दुब्बू भाई, यार अपनी मेहनत से कहीं तो चाहिए। ये दुब्बू कह रहा है कि अरे यार भैया दिखा रहे हो आप, मैं बोला भाई जरूरी है दिखाना, अब बस पहुंच गए। तार को न तोड़ दिए कहीं, ये तोड़ देगा तू, वही तो चढ़ा रहा है कहाँ है, कब है लड़क बच्चे नहीं चढ़ रहे,
की बात कर रहा था मैं, ये पता नहीं किसने तोड़ दी है, और इसी से इंडिकेट होता है डीजल, और ये है डीजल का मीटर, अब नहीं बताएगा बिल्कुल भी। तो जुताई हो गई है, अब यहाँ पे आ गए हैं, कल्टीवेटर खोल के हम लोग जाएंगे अब लकड़ी लेने के लिए। और ये बिहारी छुपाया रहा देख के कि काम ना करना पड़े करके, सब ऐसे ही काम तो हो ही गई है दोस्तों। और ये बिहारी और मम्मी आ रहे हैं, भल्लू आया है, भल्लू पीछे होगा। ये रखी हैं लकड़ियाँ, ये छोला वाला खंड है उसकी लकड़ियाँ, यहाँ का काट रहा था जहाँ का मैंने शॉर्ट्स डाला था। अब देखते हैं कितनी जा पाती हैं कितनी नहीं जा पाती। अगर यहाँ आज पानी होता तो ये देखिए पूरा वीरान पड़ा है, पूरे जितने किसान हैं जितने खेती करने वाले हैं सब ये सीजन घर बैठे हैं, क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है। ठीक है, कभी तो वक्त बदलेगा। तो घर पहुंच गए हम, और ये लकड़ी अपने वॉशरूम शौचालय के पास रख रहे हैं, वहीं जमाते आए हैं। अब इसमें लग जाएगा लगभग एक घंटा, 7 तो बज ही गए हैं। भल्लू और बिहारी हैं, पहले बताना रहा। ठीक है, तो दोस्तों लकड़ियां रख गई हैं, लेकिन अभी भी एक दो खेप का, एक खेप का लगभग बिहारी है ना, बाकी है। और उसको अब देखो, अगर लड़के मिल गए बिहारी लोग, अगर कल फुर्सत रहे तो कल ले आएंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।